राधे राधे। अंतिम नवरात्रा नौवा नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री का होता है। सर्वप्रथम जो नवमी को कन्या पूजते हैं उन्हें क्या करना है, सर्वप्रथम उन्हें उसी स्थान पर जाना है जिस स्थान पर उन्होंने माँ की स्थापना करी है, घट की स्थापना करी है, उस स्थान पर जाना है। माँ सिद्धिदात्री को ध्यान में रखते, क्योंकि आपने आठ नवरात्रे बहुत भाव से रखे, अब माँ सिद्धिदात्री हर काम सिद्ध करती हैं, तो सिद्धिदात्री माँ को ध्यान रखते हुए उनकी पूजा करनी है, उनका आह्वान करना है कि हमारे घर पे आओ और हमारे सभी काम, कोई अगर नया काम शुरू करता है और उसका काम नहीं चल पा रहा तो माँ सिद्धिदात्री का व्रत उनको विशेष रखना है, क्योंकि कोई भी नाक बना हुआ काम जो तुमसे काम नहीं हो पा रहा, आपने नया काम शुरू करा हुआ है उसमें आपको उस प्रकार से सफलता नहीं मिल पा रही जिस प्रकार से आप चाहते थे, तो माँ सिद्धिदात्री का व्रत रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर उस दिन आप कढ़ाई करते हैं तो जब तक आप कन्या को ना जिमा लें आप अन्न और जल ग्रहण ना करें। हाँ, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप जल ले सकते हैं, चाय वगैरह, शुगर पेशेंट है वो चाय वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करनी है, उनको भोग में क्या विशेष प्रसन्न है, होके वो माँ भोग खाती हैं, तो माँ सिद्धिदात्री को सर्वप्रथम आपको स्थान पर जाना है, माँ सिद्धिदात्री का आह्वान करना है और उनकी पूजा अर्चना करनी है। और जो आप भोग बनाएं, जो आप कन्या के लिए भोग लगाएं, वो तो लगाएं साथ में सफ़ेद तिल का भोग माँ सिद्धिदात्री को जरूर लगाएं। सफ़ेद तिल माँ सिद्धिदात्री को बहुत पसंद है, तो आपका सारे काम सिद्ध होंगे माँ सिद्धिदात्री के तिल के भोग मात्र से ही। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है, जो नवमी को पूजते हैं सिद्धिदात्री को पूजते हैं तो उनको तिल का भोग लगाना है। अब मैं बताऊंगा सिद्धिदात्री माँ को तिल के भोग लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कौन कौन से करियर को लेके बंदा आगे बढ़ता है और अपनी लाइफ में सफलता पाता है। सर्वप्रथम अकाल मृत्यु हो जाती है किसी की, कोई बाइक चलाता है, कोई गाड़ी से रिलेटेड इसका काम है, जिनका सारा काम सारा दिन रात का काम चलना ही है, या जिनका रिस्की काम है, जिनको अकाल मृत्यु का डर है अपने काम के टाइम पे, अकाल मृत्यु का कि मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तो सिद्धिदात्री माँ अकाल मृत्यु हर लेती हैं। जो सिद्धिदात्री माँ की पूजा करता है उनको अकाल मृत्यु नहीं होती। तो इससे रिलेटेड कोई भी भक्त या कोई भी बंदा, आदमी या महिलाएं सिद्धिदात्री माँ की पूजा करती हैं तो उनको अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और अपने करियर को लेकर सफलता पाते हैं। और सिद्धिदात्री माता की विशेष कृपा मीन राशि वालों पे और सिंह राशि वालों पे होती है इस नवरात्रे पे। तो अगर ये सिंह राशि वाले और मीन राशि वाले सिद्धिदात्री माँ का व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनको तिल का भोग लगाते हैं, तो इनके जो काम नहीं बन रहे बरसों से नहीं बन रहे वो भी आपको बनते नज़र आएंगे। सिर्फ तिल मात्र से, उनका व्रत रखने मात्र से ही आपको अपने करियर में, जिस लाइन में भी हैं आप, आपको सफलता होते दिखेगी, आप सफल होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको अकाल मृत्यु का भय है या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो कमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंस से और अकाल मृत्यु के डर से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, अकाल मृत्यु आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगी। तो माँ सिद्धिदात्री आपके सारे काम सिद्ध कर देगी, जो नवमी को व्रत रखते हैं उनके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। इन दो राशियों पे माँ सिद्धिदात्री की विशेष कृपा रहेगी। अब जब भी आप व्रत रख के माता की आरती पूजा करके सब काम से फ्री हो जाएं तो माता को ऐसे ना छोड़ें। सर्वप्रथम अब शाम को या जब भी अपना घट स्थापना हटाएं, जब घट स्थापना जाए उसमें पानी, आप घट स्थापना में पानी रखते हैं या सिक्का डालते हैं या जो होते हैं, सर्वप्रथम जो वाली चीज़ हैं, जो माँ का जो खेतरी निकली है उसको प्रवाहित करना है, उसको कहीं भी आपको फेंकना नहीं है, उसको प्रवाहित करना है। जो सिक्का आपने घट में डालते हो, जो नहीं डालते उनकी बात नहीं, जो डालते हैं वो अपने गले में रखना है, क्योंकि वो नौ दिन वो घट माता के चरणों में रहा, माता की उससे पूजा हुई, घट स्थापना हुई, तो अगर वो अपने गले में रखते हैं तो आपका गला कभी खाली नहीं होगा, आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, वो आपको गले में रखना है। नारियल भी आपको प्रवाहित करना है, जो आप उसमें माला, फूल माला सब प्रवाहित करना है। अब जो घट में आपने जल डाला है
जल को अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना है और माँ सिद्धदात्री को बोलना है कि मैंने आपकी पूजा करी, मैंने 9 दिन व्रत रखे, उपवास करा, हमारे घर में आके वास करो और हमारे जो भी काम है, जो भी आपकी कामना है उनको बोले माता को, और सिद्धदात्री माता आपके सारे काम सिद्ध करेगी। और माता के जो आपने तस्वीर लगाई है उसको भी आपको प्रवाहित करनी है, आप किसी मंदिर, किसी पेड़ के नीचे और अपने फूल कहीं रखें ना, इसको सही ढंग से प्रवाहित करें, हाथ जोड़ के इनको प्रवाहित करें और इनको विदा दें और इनसे अपने घर पे शुभ की, धन, वैभव, लक्ष्मी, समृद्धि और खुशियों की बोली हमारे घर में वास रहे। और हर फील्ड में आपके घर में कोई भी बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई भी काम करता है, आदमी है आपका, तो उनको बोले इनको इनके करियर से लेके इनको सफलता मिले, ये निरोग रहें और स्वस्थ रहें और हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहें। सिद्ध जाति में आपके कार्य काम सिद्ध करें। आज के लिए राधे राधे।